हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे छोले। तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया है। ये मैंने हरी मिर्ची, टमाटर, 6-7 मैंने हरी मिर्ची ली थी, एक टमाटर लिया था, सॉरी 2 टमाटर लिए थे, और एक मैंने छोटे साइज की प्याज ली थी। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन लिया है, इसको मैंने बगैर पानी के पीस लिया है। आप हरी मिर्चें कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि फिर मैं पिसी हुई मिर्चें कम डालती हूँ, तो मैं तेज़ी जो है वो हरी मिर्चों की ही रखती हूँ। चलिए जी, अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, हम इसमें चलिए। देखिए, मैंने पानी पानी नहीं डाला, इसमें मसाला है। अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, 1 चम्मच नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून से भी कम है पिसी मिर्च, वो सॉरी हल्दी, बहुत थोड़ा सा मैं इसमें साबुत गरम मसाला डालूंगी। मिक्स गरम मसाला ले लें, बस इसको भूनूंगी। और ये मैंने 1/2 कप से ज़्यादा दही लिया था, और 1 प्याज लाल करके इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये भी इसमें शामिल करूंगी। चलिए जी, पहले मैं इसको भून लेती हूँ मसाले को, फिर मैं इसमें छोले शामिल कर दूँगी। चलिए जी, देखिए मसाला भून गया है, अब मैं इसमें छोले शामिल कर दूंगी। छोले डाल के तकरीबन 5 मिनट में इसको भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। ये देखें, 5 से 7 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसे दही और ये प्याज का जो मैंने बैटर बना के रखा था, ये इसमें डाल दूंगी। ये मैं अंडे जो है इसको मैं छिलका उतार लूँगी, इसका उतार के फिर मैं इसको फ्राई करके डालूँगी। ये मैंने छोलों का पानी लिया है, 1 कप ये छोलों का पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1/2 कप जो है मैं इसमें सादा पानी ऐड करूँगी, 1/2 कप मैंने इसमें सादा पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसको ढक के पकने दूँगी, जब तक के 5-10 मिनट, जब तक के मैं अंडे जो है अपने फ्राई कर लेती हूँ इनको। चलिए जी, देखें 5-7 मिनट इसको हो गए थे, और हमने यहाँ अंडे भी बॉईल करके रख लिए हैं। अब मैं इसमें ये भी डाल दूंगी अंडे भी। चलिए जी, देखिए मैंने अंडे भी इसमें शामिल कर दिए हैं। मैं 2-3 मिनट में इसको और पकाऊंगी, फिर मैं चूल्हा इसका बंद कर दूंगी, और इसमें हरा धनिया और पिसा गरम मसाला शामिल करना। चलिए जी, देखिए अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, ये ठंडा होने के बाद भी जो है गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं हरा धनिया डालूंगी इसमें, और पिसा गरम मसाला मेरे पास ख़त्म हो गया है, आप लोग ज़रूर डालिएगा पिसा गरम मसाला। चलिए जी, देखें अंडे छोले तैयार हैं, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। जो लोग नए देख रहे हैं मेरी वीडियो, वो लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। चलें, थोड़ा सा हम बाहर का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं।